नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। लाडली बहनों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 1 सितंबर 2023 से रसोई गैस सिलेंडर आपको मात्र 450 रुपये में मिलेगा, जिसके लिए आपको आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर 2023 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। कहाँ कहाँ आवेदन होंगे, क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पात्रता क्या रहेगी, आवेदन की संपूर्ण जानकारी, आवेदन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, कैसे भरना है, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो लाडली बहनों के लिए एक और खुशखबरी, अब आपको मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर। भैया शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ। 15 सितंबर 2023 से इस योजना का शुभारंभ हो चुका है। पहले हम पात्रता की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी बहनें ऐसी बहनों को पात्रता होगी जो पूर्व से गैस कनेक्शन धारी है। अगर आप पहले से गैस कनेक्शन धारी है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं, और अगर आप उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो भी आप इस योजना के लिए पात्र है, ठीक है। ये दो कंडीशन है केवल पात्रता है। अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो आप पात्र हैं, और अगर बहनों के नाम से गैस सिलेंडर कनेक्शन है तो वो भी पात्र है। पंजीयन का क्या कुछ रहेगी जानकारी, तो पंजीयन जैसे आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन हुआ था, उसी पोर्टल पर गैस सिलेंडर का भी यहाँ पर पंजीयन होने वाला है। केवल दो दस्तावेज की आपको आवश्यकता रहेगी, एक तो एलपीजी कनेक्शन की आईडी और समग्र आईडी, ठीक है। पंजीयन उन सभी केंद्रों पर होगा जहाँ पर लाडली बहना योजना का आपने पंजीयन किया था, जैसे कि पंचायतों में, पंचायत के बाद वार्डों में होगा, ठीक है, वार्डों में होगा। शासन ऑयल कंपनी से पात्र बहनों की जानकारी प्राप्त कर उसका प्रदर्शन 25 सितंबर तक करेगी, ठीक है। आप पात्र हैं, अपात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, पर जो शासन द्वारा ऑयल कंपनी से जानकारी प्राप्त की जाएगी उसको 25 सितंबर को आपको फाइनल कर देंगे कि किसके कौन को सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। बहनों की समस्या निराकरण हेतु शिकायत निवारण एप्लीकेशन भी उपलब्ध होगा, ठीक है। ये अभी अभी तो केवल आवेदन हो रहे हैं, फिर अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अनुदान राशि क्या रहेगी, ठीक है, अनुदान राशि आपको किस प्रकार से सब्सिडी मिलेगी, तो पात्रताधारी बहनों को प्रतिमाह अधिकतम एक रिफिल पर अनुदान मिलेगा, ठीक है। आप महीने में एक बार मतलब भरवा सकते हैं गैस सिलेंडर, उसके एक महीने में दो बार अगर आपने गैस सिलेंडर भरवाया तो केवल आपको एक बार की ही सब्सिडी प्राप्त होगी। लाडली बहनें ऑयल कंपनी से कंपनी की दर पर गैस रिफिल खरीदेगी, मतलब अभी जो ऑयल कंपनी है उसमें जो कीमत है वो अभी 930 रुपये गैस सिलेंडर की है, जिसमें आपको बाकी सब्सिडी मिलेगी, और आपको जो गैस सिलेंडर पड़ेगा वो 450 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। सावन माह 4 जुलाई से 31 जुलाई तक गैस रिफिल कराने वाली बहनों को भी अनुदान बैंक खाते में दे दिया जाएगा। अगर आपने सावन महीने में गैस सिलेंडर भरवाया तो उसकी सब्सिडी आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। बात कर लेते हैं आवेदन कहाँ पर मिलेगा, तो आवेदन आपको आपकी पंचायत में वार्डों में, या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रिंट निकला सकते हैं, ठीक है। अगर आप सक्षम हैं तो आप डाउनलोड कर प्रिंट निकला सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, पर इस पीडीएफ के माध्यम से आपको एक एक जानकारी पूरी डिटेल में दी गई है, जहां पर आप विषय भी पढ़ सकते हैं इसका, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी के गैस कनेक्शन उपभोक्ता एवं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी पंजीकृत बहनें जिसके नाम से स्वयं से गैस कनेक्शन उसे 400 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान करना। इसमें आपको संपूर्ण A to Z जानकारी देखने को मिल जाएगी दोस्तों, तो आप इसमें A to Z जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आवेदन पत्र किस प्रकार से भरना है, ठीक है। तो ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आवेदन किस प्रकार से भरना। तो ये आवेदन हमारे सामने उपलब्ध हो चुका है, अगर ये आवेदन की PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त करने हैं, तो आवेदन पत्र पात्रता मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आपको फॉर्म में लाडली बहना ID नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गैस कनेक्शन धारी लिखना है। आप प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के हैं, अगर हैं तो यहाँ पर यस करना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। LPG कनेक्शन आपको 17 अंकों वाला है या 16 अंकों वाला है, दोनों यहाँ पर आपको
वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह घोषणा आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्वयं को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मेरे पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरा आधार नंबर उपयोग किया जा सकता है। एतद् में यह एतद् द्वारा वो केवल सरकारी योजनाओं या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार EKYC विवरण शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आवेदिका का नाम डाल देना है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद ग्राम पता शहर डाल देना है, आपका स्थायी पता डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है किस दिनांक को जारी कर रहे हैं आप, उसके बाद आवेदिका के हस्ताक्षर आपको डाल देना है, उसके बाद ये नीचे का आपको नहीं भरना है। ये आपको पंचायत जहाँ से आप आवेदन करेंगे वहाँ से आपको भर के दिया जाएगा, यह पावती के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पावती आपको लेकर जरूर आना है, इससे ये स्पष्ट रहेगा कि आपने आवेदन भर दिया है। ठीक है, जैसे ही आप इसे देंगे तुरंत आपको वहाँ पर ऑनलाइन भी करवाना है, ऑफलाइन देने के बाद वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा रहेगा उसके माध्यम से आप ऑनलाइन करवा कर ये पावती आपको दे दी जाएगी। इसमें आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक रहेगा कि आपने आवेदन किया है, आपको डेट यहाँ पर लिख के देगा, जिसने आपको जारी किया उसके जारी, जिसने आपका ऑनलाइन आवेदन किया है यहाँ पर उसके सील साइन भी यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं सील साइन तो बस साइन तो आपको दिए ही जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप निम्न कारणों से आवेदक ग्रहण नहीं किया गया तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।